नमस्कार, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की। दोस्तों, रुड़की में सबसे गंभीर समस्या पार्किंग है। पार्किंग यहाँ पर कहीं नहीं पार्किंग है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दीप हॉस्पिटल भी यहाँ पर मौजूद है और आपका महावीर बच्चों का अस्पताल भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पार्किंग के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। पार्किंग को लेकर यहाँ पर लोगों को इतनी दिक्कतें आती हैं और साथ में यहाँ पर डिवाइडर भी बीच में रख दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये है पार्किंग, यहाँ की रोड को पार्किंग बना दिया है। क्या नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा, क्या प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है? पार्किंग को लेकर यहाँ पर लड़ाइयाँ भी होती हैं, यहाँ पर जाम भी लगते हैं और यहाँ पर लोगों का जमावड़ा भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का अस्पताल भी है और भी अस्पताल यहाँ पर मौजूद है। भगवती अस्पताल भी इसी रोड पर मौजूद है। यहाँ से ये रोड बाजार को कनेक्ट होती है और ये सीधी मेन रोड पर कनेक्ट हो जाती है। यहाँ से सुबह शाम तक लोग गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन मुझे लगता है इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लोग बाग यहाँ पर देखिए आप, ये रोड है, रोड पर ही यहाँ पार्किंग खड़ी करके चले जाते हैं और डॉक्टर्स के बैठ जाते हैं यहाँ पर। इसी कारण जाम की स्थिति बन जाती है, लोग कहाँ को जाए, परेशानी का सामना सभी को करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग वाक बैठे हैं, यहाँ पर एक ठेली भी लगी है, उधर भी लोग बैठे हैं, इधर भी एक आपका हॉस्पिटल है, इधर भी एक हॉस्पिटल है। इस रोड पर दो तीन हॉस्पिटल हैं और दो तीन शोरूम भी हैं, जिसकी वजह से पार्किंग ना होने के कारण यहाँ पर जाम की स्थिति बनती है। तो हम रुड़की में और भी दिखाएंगे, यही समस्या चल रही है रुड़की में। चलिए दिखाते हैं, बड़ी समस्या एक और भी है, पार्किंग। पार्किंग कहीं भी आप देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर हो, कहीं भी हो, पार्किंग को लेकर बवाल मचा रहता है। इस वक्त हम खड़े हैं सारण नर्सिंग होम पार्किंग में। यह पार्किंग बनाई गई है, देखिए आप देख सकते हैं, अगर पार्किंग होती तो बड़ी होती है, तो छोटी एक दुकान है। यहाँ पर बाहर तक पार्किंग हो रही है। यहाँ पर 31 साल से एक खोखा संचालित कर रहे थे एक आदमी, तो उनका खोखा भी यहाँ पर पार्किंग के लिए शायद हटा दिया गया है। पार्किंग की बहुत गंभीर समस्या है, उसे लेकर लड़ाइयाँ भी बचती हैं रुड़की में। हम आपको यहाँ से अलग भी कुछ दिखाएंगे और देखिए आपको एक और बात दिखा दूँ। पार्किंग के नाम पर अतिक्रमण कहेंगे इसे, पार्किंग नहीं। यहाँ पर अपनी चैन भी डाली हुई है डॉक्टर साहब ने। अब डॉक्टर साहब बड़े आदमी हैं, चाहे चैन डाल ले और चाहे यहाँ पर दीवार कर दे, शायद शासन प्रशासन कुछ हरकत में नहीं आएगा। हम आपको पहले भी दिखाएंगे और बाद में भी दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए कैसे पार्किंग होती है रुड़की में। पार्किंग की बहुत समस्या है, जो चंद्रपुरी में चाव मंडी, चंद्रपुरी और मेन बाज़ार और हो गया और रामनगर हो गया, इसमें जाम लगता है पार्किंग के ना होने की वजह से। पार्किंग नहीं होती और जाम यहाँ पर लगता रहता है। अब हम बात करते हैं यहाँ की सारण नर्सिंग होम की। यहाँ पर पार्किंग को लेकर बवाल है। पार्किंग के लिए डॉक्टर साहब ने एक व्यक्ति का 31 साल से संचालित कर रहे खोखा भी हटा दिया है। यह वह व्यक्ति है, क्या हुआ आपके साथ? 31 वर्ष से यहाँ रोजगार था, इसने वो हटवा दिया गया है। मेरा पीछे मकान है, मैं यहाँ आने जाने के लिए मुझे इतनी दिक्कत है, मुझे मारने की धमकी देता है, तड़ देता है, बदमाश है, जो पैसे वाला आदमी है, एक गरीब आदमी रोज इसने करना खाना खो दिया और ज्यादा बदतमीजी करता है, मार पिटाई भी आता है। सुबह इसके 10 कंपाउंडर ने, मुसलमान है, कुछ कंपाउंडर है, उनके साथ उन्होंने बदतमीजी करी। और पता तो ये चला कि आपने भी डॉक्टर साहब के साथ कुछ बदतमीजी? मैंने, हमने कुछ नहीं करा, हमने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं की। इसके कैमरे में आप देखिए, ये हमारे षड्यंत्र के तहत इसने पहले हमारा एक रोजी रोटी हटवाई गई और उसके बाद ये हमारा, हमने यहाँ पे ये एकर खा रहे हैं। आप यहाँ देखो क्या स्थिति है, किसने हमारा जीना हराम किया है। पीछे हमारा मकान है, वहाँ की देखो, 31 साल से हमारा यहाँ पान का खोखा है, बराबर हम नगर पालिका और मन्ना कटवा रहे हैं, आजीविका चला रहे हैं। और इसने षड्यंत्र के तहत, इसके पास में जो कंपाउंडर हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम अपना सम्मान बचाना भारी है, हम कैसे जिए। नर्सिंग होम कब से? सारण नर्सिंग होम यहाँ 25-20 साल से है। 31 साल से यहाँ पर पढ़ते हैं, हम 31 वर्ष से। क्या जरूरत पड़ी इसे डॉक्टर पड़ गई? ये हमारे से रंजिश रखता है और इस रंजिश के तहत इसने हमारा खोखा कटवा दिया। बाकी सब आपके सामने है, पीछे मकान है, आने जाने के लिए हम जाते हैं तो हमें मारने धमकी देता है, कभी कहता है मैं राठी का हूँ, कभी कुछ हूँ। देखिए यहाँ पर ये पार्किंग की वजह से शायद हुआ है। यहाँ पर अंदर सारण नर्सिंग होम भी है और भी कुछ दिखाएंगे आप रुड़की में, ऐसी बहुत सी जगह हैं, चलते हैं वहाँ पर।